Hello students, the next topic is colloidal solution. What are colloidal solution and its classification? So जैसे कि हमें पता है कि colloidal solution are the solution in which particle size of the solute ranges from 1 nanometer to 1000 nanometer and they have heterogeneous nature. मतलब the concentration of the solute is not uniform throughout the solution. अब देखिए इसमें दो फेजेज होते हैं. जैसे हमारे सॉल्यूशन में दो टाइप दो कंपोनेंट होते हैं, एक सॉल्यूट होता है एक सॉल्वेंट होता है. इसी प्रकार कोलाइडल सॉल्यूशन में भी दो फेजेज होते हैं, एक होता है डिस्पर्स फेज और दूसरा होता है डिस्पर्सन मीडियम. सो डिस्पर्स फेज क्या होता है, द कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन विच इज प्रेजेंट इन द लार्ज सॉल्यूशन द लार्ज प्रोपोर्शन दैट इज कॉल्ड डिस्पर्सन मीडियम एंड द कंपोनेंट विच इज प्रेजेंट इन स्मॉल प्रोपोर्शन इट इज कॉल्ड डिस्पर्स फेज. सो जैसे एलआरटी कोलाइडल सॉल्यूशन है, दीज आर डिस्पर्स फेज पार्टिकल. मतलब डिस्पर्स फेज के पार्टिकल को आप मान सकते हैं जैसे सॉल्यूट है और डिस्पर्स मीडियम को आप मान सकते हैं जैसे सॉल्वेंट है. सो नेक्स्ट इज क्लासिफिकेशन ऑफ क्लोराइड. सो फर्स्ट इज ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्स मीडियम वी हैव थ्री टाइप. वन इज सोल. सोल्स के होते हैं सॉलिड्स डिजॉल्वड इन लिक्विड आर कॉल्ड सोल. द सॉलिड डिजॉल्व इन लिक्विड डिस्पर्स फेज इज प्रेजेंट इन द सॉलिड स्टेट एंड डिस्पर्स मीडियम इज प्रेजेंट इन द लिक्विड. सेकेंड इज इमल्सन्स. इमल्सन्स में आपका क्या होता है, जो डिस्पर्स फेज होता है वो लिक्विड होता है और जो डिस्पर्सन मीडियम होता है वो भी लिक्विड्स होते हैं. द थर्ड टाइप इज जेल्स. जेल में क्या होता है, जो डिस्पर्स फेज होता है वो लिक्विड होता है और डिस्पर्स मीडियम क्या होता है, सॉलिड होता है. सो नेक्स्ट टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन इज डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ डिस्पर्सन मीडियम. सो यदि आपका डिस्पर्सन मीडियम वाटर है देन कोलाइडल सॉल्यूशन इज कॉल्ड हाइड्रोसोल और एक्वासोल. यदि डिस्पर्सन मीडियम अल्कोहल्स है देन इट इज़ कॉल्ड अल्कोसोल्स. और यदि डिस्पर्सन मीडियम बेंजीन है देन इट इज़ कॉल्ड बेंजो सोल्स. और यदि डिस्पर्सन मीडियम एयर है देन इट इज़ कॉल्ड एरोसोल. और डिपेंडिंग ऑन द नेचर बिटवीन द डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम वी हैव टू टाइप. वन इज लायोफिलिक कोलाइड एंड अनदर इज लायोफोबिक क्लोराइड. तो लायो स्टैंड फॉर लिक्विड, फिलिक स्टैंड फॉर लविंग एंड लायो अगेन स्टैंड फॉर लिक्विड एंड फोबिक स्टैंड फॉर हीटिंग और रिपेलिंग. सो लायोफिलिक क्लोराइड में क्या होता है, जो डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम के पार्टिकल होते हैं उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है. बट इन केस ऑफ लायोफोबिक क्लोराइड देर इज फोर्स ऑफ रिपल्सन बिटवीन डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम. सो दीज आर क्लासिफिकेशन ऑफ क्लोराइड्स. थैंक यू.